AK-47 का इस्तेमाल दुनिया भर के सैनिकों और कई लोगों द्वारा भी किया जाता है। इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें एक बार में 30 गोलियां भरी जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इसका नाम AK-47 कैसे पड़ा? अगर नहीं तो चलिए आज इसके पीछे की दिलचस्प वजह जानेंगे। दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक बंदूकें मौजूद हैं, लेकिन जिस बंदूक का नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आता है वो है AK-47। AK-47 दुनिया की खतरनाक ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन गन है, जिसे दुनिया की कई सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल आतंकवादी भी बहुत करता है। भारतीय सेना में भी इसका इस्तेमाल होता है और स्पेशल फोर्स भी इसका इस्तेमाल करती है। इसके नाम AK के पीछे 47 जुड़ने की यह एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक कलाशिकोव 47 है, जिसमें कलाशिकोव नाम इसके आविष्कारक मिखाइल कलाशिकोव के नाम से लिया गया है, क्योंकि यह राइफल साल 1947 में बनी थी, इसलिए AK के बाद इसमें 47 लगाया गया। बता दें कि मिखाइल कलाशिकोव रूस के थे और 2013 में 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। रूसी सेना से जुड़े हुए थे, उस समय वो टैंक में मैकेनिक के रूप में सेना में काम कर रहे थे। बता दें कि AK-47 दुनिया की सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर बिकने वाली राइफल है। इसके साथ ही यह दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल भी है। इसके लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। AK-47 की खासियत की बात करें तो इस बंदूक में एक बार में 30 गोलियां भरी जा सकती है। वहीं इस बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंदूक से एक सेकंड में 600 राउंड फायर होता है। यह बंदूक कितनी पावरफुल है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दीवारों, यहाँ तक कि कार की दीवारों को भी भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। इसे चलाने के लिए किसी तरह की खास ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। साथ ही इसकी साफ सफाई करना और इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। इसका AKM वर्जन इस समय दुनिया का सबसे हल्का राइफल का वर्जन है। फुल लोड होने के बाद भी इसका वजन मात्र 4 kg होता है। इसके अलावा यह बंदूक कई खासियतें रखती है।